અને તેથી મારો ઉજ્જૈન નગરીનો બાવો કહેવા લાગે. શું કહેવા લાગે? લાલ દારૂ માંગે, એ ગુલાબી દારૂ માંગે, ભેરવો વીર મારો લાલ દારૂ માંગે. આસે दारू खरीद सकते हैं और लेकर जाकर मंदिर में चढ़ा सकते हैं. दोस्तों यहाँ पर हमारे गुरु के 9 बेवड़े आए हैं. आपको दिख रहा है 3 हमारे सामने हैं और जो है 7 पीछे. काल भैरव जाने वाला रास्ता यही है. भैया यहाँ से कितना दूर होगा? काल भैरव. हाँ काल भैरव पूरा 5 मंदिर रनिंग पड़ता है अपना. 30 किलोमीटर पूरा रनिंग पड़ता है. दोस्तों भैरव बाबा मंदिर की खासियत ये है कि अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो अगर आपके साथ दारू है, अगर आप दारू चढ़ाते हैं, जो आप मनौती मांगे गए वो मनौती पूरा हो जाएगा. अगर आप दारू नहीं चढ़ाएंगे जो भी मानेंगे तो मनौती पूरा नहीं होगा. हाँ भैया सही बात है ना? हाँ पहली बार सभी लोग जो है दारू लेके चल रहे हैं साथ में और चढ़ाएंगे. सर मंदिर का कुछ है, भीड़ है बहुत ही ज़्यादा है. काफ़ी लोग जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं. मंदिर तो अभी आगे है, अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे. और जो है यहाँ का सबसे फेमस मंदिर में जो चढ़ता है यहाँ का दारू है. अगर आप दारू नहीं चढ़ाए तो समझ लीजिए कुछ नहीं चढ़ाए. सभी लोग जो है दारू लेकर जा रहे हैं चढ़ाने के लिए. ये देखिए ब्रांड यहाँ पर लगा हुआ, आप यहाँ से दारू खरीद सकते हैं और लेकर जाकर मंदिर में चढ़ा सकते हैं. यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम है कि अगर आप दारू ना चढ़ाएं तो आपकी मनौती पूरी नहीं होगी. हाँ बस आ रहे तो चल रहे हैं भैरव बाबा का दर्शन करने और आपको भी दर्शन करवाते हैं भैरव बाबा का. सभी लोग लेकर खड़े हैं, दारू चढ़ेगा आज भैरव बाबा के स्थान पर. ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ दारू चढ़ाते हैं तो आपका मनोकामना जो है पूर्ण होता है, अगर नहीं चढ़ाओगे तो नहीं. ये देखिए दारू शॉप भी यहाँ पर, कोई रोक टोक नहीं है. मंदिर के अभी बाहर हम लोग हैं. ये मंदिर का बाहर का कुछ नज़ारा इस प्रकार का है. श्री काल भैरव मंदिर सामने है, दिख रहा है आपको. सभी लोग अपना ऑर्डर दिखा रहे हैं भाई, दारू लेकर साथ चल रहे हैं दर्शन करने. चलिए अभी आपको दिखाएंगे किस प्रकार चढ़ाएंगे कैसे नहीं. काल भैरव मंदिर जाने का रास्ता ये है. सबसे मेन प्रसाद जो है यहाँ का दारू है. सभी लोग ये देखिए दारू, छोटा छोटा से एक लोग यहाँ दारू लिए हैं. ये देखिए हर एक शख्स के हाथ में दारू पाओगे. देखिए इन भी लिए सभी के हाथों में दारू है. बोलो काल भैरव जय. सभी लोग लाइन में लगे हैं, मंदिर वही है काल भैरव का. दोस्तों यहाँ पर हमारे गुरु के 9 बेवड़े आए हैं. आपको दिख रहा है 3 हमारे सामने हैं और जो है 7 पीछे. ये देखो सबसे बड़े. Thank you.
हाथ में लेकर दारू चल रहे हैं भैरव बाबा को चढ़ाने। जस्ट सामने ये मंदिर काल भैरव का हमारे जस्ट सामने ही है। चलो हर हर महादेव जय 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 जय। बस बस सीधा मार नहीं करा खाली फूटू की चढ़ गया भाई देखो भैया ये देखो सिर टूट गया। चलो मारो यार शादी ग्रहण करेंगे तो जा नहीं पाएंगे। ये पावर शादी ग्रहण कर रही है के साथ। काल भैरव बाबा का मंदिर यही है सामने भर दो के। जय माता दी। ये तो तेल बहुत होला हमारा तेल बहुत होता है ना रिफाइंड। कब कब जलता है ये कितना ठंडा हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों हम लोग का जो है दर्शन एकदम से बढ़िया से हो गया। दारू चढ़ा चढ़ा कर भगवान के सभी लोग जो खुश कर दिया। हमारे भाई साहब देखो लेकर टाल रहे हैं ऐसे वैसे लग रहा है कोई सबसे बड़ा पेक कर ही आ गया। और हमारे चिराग पासवान है साथ में। ये सब पूरा मंदिर ही मंदिर है आपको दिख रहे हैं। काल भैरव का मंदिर यही है आप लोग भीड़ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और जो है धूप भी काफ़ी तेज होने लगा है। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करते हैं हम लोग चलेंगे अपने थोड़ा सा जो है हमें सुबह से हम लोग दर्शन कर रहे हैं वहाँ कई मंदिर पर हमने गए। और जो है हम यहाँ से चलेंगे हम लोग जो है भोजन करेंगे फिर उसके बाद रूम पर एक दो घंटे का रेस्ट होगा फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे वहाँ से फिर चलेंगे। भैया उसके बाद कहाँ जाना है उठा लो। चलेंगे रूम पे ये जो दारू चढ़ा उसको पैक बनाएंगे